विजापूर वेस युवक संघटनेच्या वतीने अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेल्या मुंबई पोलीस कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. 12 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईवर अतिरेकी हल्ला झाला होता. 26-11 झालेल्या हल्ल्यात मुंबईचं रक्षण करत असताना आणि नागरिकांच्या जीवितांची रक्षा करत असताना अनेक पोलीस अधिकारी तसंच पोलीस कर्मचारी धारातीर्थी पडले होते. या भयानक दिवसाच्या आठवणी प्रत्यक्षदर्शींच्या जीवाचा आजही थरकाप होतो. या दिवशी स्वतःच्या प्राणाची आहुती देऊन मुंबईसह नागरिकांच्या जीवाचं रक्षण करणाऱ्या शहीदांना विजापूर वेस युवक संघटनेच्या वतीनं मेणबत्त्या पेटवून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. पुण्याच्या लोकप्रिय नगरसेविका हसीना इनामदार यांची या कार्यक्रमप्रसंगी प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थितांचा विजापूर वेस युवक संघटनेच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. दरम्यान 2 मिनिटं स्तब्ध उभं राहून उपस्थितांनी शहीदांना श्रद्धांजली वाहिली. मुंबईवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यात स्वतःचे प्राण पणाला लावून रक्षण करणाऱ्या हुतात्म्यांचं ऋण देश कधीच फेडू शकणार नसल्याच्या भावना नगरसेविका हसीना इनामदार यांनी व्यक्त केल्या. 26/11 मतलब हमारे आंखों में आंसू आने जैसा दिन है, क्योंकि हम लोग उस दिन का अगर याद भी करेंगे तो हम लोग को वो लोगों के बारे में सोचते भी है तो हम लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं. आज मैं यहाँ से जा रही थी तो हमारे अशफाक भाई PSI तरह तरह की लांडे उमर भाई अब्दुल रशीद भाई और रिहान भाई ये लोग सबसे मिल के सच में खुशी हो गई. और आप लोगों को भी देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई अगर आपके यहाँ पे मेहमान आता है तो आप इतनी खुशी से आकर उनकी गुलपोशी करते हो तो ये बहुत खुशी की बात है. आज हम यहाँ पर करमरकर और कामते ये लोग के लिए जो आप लोग रुक के कैंडल जलाए उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शोलापुर में भी जिस तरह से पुणे में होता है उसी तरह से आज शोलापुर में भी उनके लिए श्रद्धांजलि का ये जो प्रोग्राम रखा है अशफाक भाई ने ये सुन के भी मुझे अच्छा लगा. या प्रसंगी पोलीस उपनिरीक्षक लिगाडे, अशफाक बागवान, उमर एमरॉन, मतीन बागवान, डॉक्टर रशीद शेख, रेहान शेख, अहमद मुल्ला, रिजवान नाईकवाडी यांच्यासह विजापूर वेस परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.